स्विंग के सुल्तान और साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनका कहना था कि सोचा था कि वीकेंड के बाद पीर हफ्ते का पहला दिन है, सोचा था समंदर पर मज़ा आएगा लेकिन मैंने अपनी बीवी को सीवियू पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीवियू की गंदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी को भी इसका इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए बल्कि बहैसियत कौम हमें अपने आप को कसूरवार ठहराना है, ये बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि लोग बहुत खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। वसीम अकरम ने ये भी कहा कि जिन लोगों को सोशल मीडिया पर नसीहतें देने का शौक़ है ना तो ये वक्त है मशवरे देने का, ये सारा गंद समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो सारा बाहर आता है। इसके कुछ देर बाद वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने दुख का भरपूर इजहार किया। उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर डाली जिसमें वो साहिल पर जमा होने वाले कचरे पर खड़ी हैं। शनेरा अकरम ने ट्वीट में लिखा कि हमारा शहर तकलीफ में है और ये रोज़ बता रहा है, हम इसकी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा, अब रुक जाना चाहिए, ये कचरा हमारे शहर हमारे लोगों और कल्चर के लिए बाइस शर्म है, हम ऐसे नहीं हैं। तो दोस्तों आप वसीम अकरम के इस ट्वीट के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।